धनबाद के दो पंचायत में बोलने वाले को मुख बधिर और दौड़ने वाले को दिव्यांग बनाया। 1,000 रुपए प्रति माह के लिए निःशक्तों की योजना में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। धनबाद जिले में बोलने वाला मुख बधिर और आराम से चलने वाला पैर से दिव्यांग है। धनबाद में अगर आप शरीर से एकदम स्वस्थ भी हैं तो आप अपना दिव्यांग पत्र बनवा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग बिना जांच के आपका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जेब गर्म करने के बाद बना देगी। इसके लिए कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, बस बिचौलियां पैसे लेकर ये काम कर देगा। यह सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन बोलने वाला मुख बधिर भी होता है। धनबाद जिले में यह संभव है। कलियासूर प्रखंड के अखदुआर पंचायत में मुख बधिर बोलते हैं तो एक पैर से दिव्यांग आराम से चलते भी हैं। यह कोई ईश्वर का वरदान नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का कमाल है। दरअसल दो पंचायत के 50% लोगों ने स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से निःशक्तता प्रमाण पत्र बनवा लिया है। इस योजना के तहत दिव्यांगों को प्रति माह 1,000 रुपए मिलते हैं। हैरानी की बात यह है कि आवेदन मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच नहीं की और निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी कर दिया। पंचायत जन प्रतिनिधि के पास जब योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्हें शक हुआ। भौतिक सत्यापन कराया तो पता चला कि गांव के 50% लोगों ने निःशक्तता प्रमाण पत्र बना लिया है। जब एक टीम उस गाँव में पहुँची और मामले की पड़ताल की तो पता चला कि जिनके पास मुख बधिर का सर्टिफिकेट है वह साफ साफ बात कर सकते हैं, वहीं जो एक पैर से असमक्ष है वह आराम से चल फिर भी सकता है। इन्होंने अपनी गलती भी मानी और स्वीकार किया। है ना? हाँ। तो उसमें तो आपका मुख बधिर लिखा हुआ है, जिसमें आप लिखा हुआ कि आप बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, वो सर्टिफिकेट आप बनवाए हैं। हाँ। तो गलत चीज़ हो गया होगा ना, वो तो अलग चीज है। हम सुनने में थोड़ा मेरा डिस्टर्ब, मुख बधिर का मतलब समझ रहे हैं ना? वो तो हमारा माने सिर्फ सुनने के लिए माने थोड़ा दिक्कत। पूरा नाम बताइए तो अपना। आदित्य कुमार माला का। गांव का नाम? आग द्वारा। कब बनाया था ये? मतलब 7-8 महीना हो गए। पैसा आया अभी तो नहीं? प्रमाण पत्र बनवाने वाले आदित्य मलाकार से जब बात किया गया तो बड़े आराम से बात सुना भी और बताया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आप मुख बधिर का प्रमाण पत्र बनाए हैं जबकि आप आराम से बात कर सकते हैं, इस पर कहा कि सुनाई कम देता है, बोल आराम से लेते हैं। जब कहा गया कि यह गलत है तो यह पूछने पर वह चुप हो गए, लेकिन यह स्वीकार किया कि गलती हुई है, प्रमाण पत्र मुख बधिर का बनवाया है। दूसरे मुख बधिर का प्रमाण पत्र बनवाने वाले तो बड़े कलाकार निकले। जब तक प्रमाण पत्र के बारे में नहीं पूछा गया तब तक बड़े आराम से सुन बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही यह कहा गया कि आप मुख बधिर का प्रमाण पत्र बनाए लेकिन आप तो बोल रहे हैं, तो हर बात पर ऊंचा सुनाई देने का स्वांग करने लगे। हालांकि यह बात जरूर बताया कि मुख बधिर का प्रमाण पत्र बनवाया जरूर है लेकिन मिला नहीं है, ना कोई राशि मिली है। कहाँ रहते हैं? आग द्वारा। आग द्वारा। अच्छा, आप तीन को बताइए कि ये स्वामी विवेकानंद योजना के तहत आप फॉर्म भरे थे? स्वामी विवेकानंद का जो है फॉर्म भरे थे? अरे पैसा ऐसा कुछ मिला है विकलांगता का? आपका विकलांगता का पैसा मिला है कुछ आपको? नहीं मिला है। नहीं मिलता है। मिला नहीं अभी तक? तो आपका प्रमाण पत्र तो बन गया है ना? दिया है सर। हाँ। दिया है, आया नहीं अभी तक। आया नहीं है? नहीं सर। ओहो हो। तो उसमें तो आप दिए कि आप मुख बधिर हैं, बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते हैं। नहीं नहीं सर, कान थोड़ा खराब है, सुनने में कम आता है, लेकिन बोल ठीक लेते हैं। बोलने में आता है। अच्छा, तो मुख बधिर आप नहीं है? नहीं।
कहते आपका सर्टिफिकेट हम देखे उसमें मूक बधिर लिखा हुआ है। नहीं सर, तो हमको डॉक्टर खाना से कान के लिए दिखाए हैं। अच्छा अच्छा हाँ, जोर से बोलिए सर। आदित्य मालाकार आपके गांव का है? जी सर। आपके घर के किधर? आपके भाई है, क्या नाम है जो साइकिल दुकान है जिनका? आपके भाई का साइकिल दुकान है ना, उन्हीं के घर के पास? हाँ। अच्छा, जाते हैं आपके, हम लोग वही आपको खोजते हुए आए हैं कि आपको पैसा मिला कि नहीं मिला। पंचायत मुखिया के सृष्टि पद सिंह ने बताया कि पंचायत के 50% लोगों का दिव्यांग पत्र बनवाया गया है। जब उन्हें शक हुआ तो जांच किया और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी को इसकी जानकारी दिया था। प्रखंड पदाधिकारी को भी इस फर्जीवाड़े से अवगत कराएंगे। पंचायत में जितने लोगों का प्रमाण पत्र दिव्यांग का बनवाया गया है उतना नहीं, लगभग 20 लोग निःशक्त हैं। लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए 250 लोगों ने निःशक्तता प्रमाण पत्र बनवा लिया है। योजना का लाभ लेने के लिए वार्ड मेंबर ऐसे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वार्ड सदस्य खुद के सभी परिवार सदस्य का प्रमाण पत्र बनवाने की बात मुखिया ने बताई है। फर्जी सर्टिफिकेट बना करके आदमी को दे रहा है और जिसमें वो सर्टिफिकेट बनने के बाद स्वामी विवेकानंद मुख्यमंत्री योजना से जो है उसमें पेंशन 1000 करके जो सरकार नियम बनाया है उस तुरंत सैंक्शन हो जाता है। इसमें तत्काल 20-25 भी सैंक्शन भी हो चुका है। फिर जैसे जानकारी दिया हमको वोट 20-30-40 ला करके दिया तो हम देखे वास्तव में ये सब विकलांग नहीं है तो विकलांग सर्टिफिकेट कहाँ से बना रहा है। तो इसलिए आप लोग भी जो है, आपके पंचायत में कितना बना होगा? अभी हमको मेरा पंचायत में 200 बना हुआ है। पंचायत का आबादी कितना है? पंचायत का आबादी लगभग 5-6 हजार आबादी का है। इसमें 250 केवल विकलांग ही है? हाँ, 200-250 विकलांग है। वास्तविक में विकलांग है? नहीं है, हमको लगता है 200 में अगर विकलांग होगा तो 2 से 5 तो होगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो देखिए हम लोग भी उसको भी हम चेतावनी दिए हैं। मान लीजिए एक क्षेत्र का वार्ड मेंबर है, मेरा बड़बोड़ी रेवुनो विलेज है जिसमें वहाँ वार्ड मेंबर दूसरा है, वहाँ का अगर वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करता है तो ही जानकी दिन है वही वार्ड मेंबर का साइन वही कर देता है। अच्छा, तो उसके बदले पैसा ले रहे हैं? हाँ, इसमें जो विकलांग है जैसे मेरा चाचा का लड़का है उज्ज्वल सिंह, जैसे हलधर सिंह, जिसमें उन लोगों को 1500-1500 रुपया लिया जा रहा है और किसी से 3000 रुपया लिया जा रहा है। वास्तव में उन लोगों को बोला जी देख भाई मुखिया जी का पता नहीं चलना चाहिए। कई शिकायत की है? शिकायत अभी तत्काल में नहीं किए हैं, लेकिन पूर्व विधायक अरूप चटर्जी जी को इस मामला को हम अवगत करवाए हैं। तो पूर्व विधायक ने आश्वासन दिया जी इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। जल्द से छानबीन करेंगे। पंचायत में सिर्फ आस पास इलाका में भी बना रहा है? हाँ, ये जानकी देखे ऐसा कर्मे है, फर्जी पेंशन बना देना, फर्जी आपका विकलांग सर्टिफिकेट बना करके पैसा लेना, और जो सच्चाई बात है जो लिस्ट में आप लोग हम उपलब्ध करवाए हैं, तमाम आप लोग से रिक्वेस्ट हम करते हैं ये डायरेक्ट आप डोर टू डोर उस लाभुक के पास जाइए, सारा चीज आपको वास्तव में मिल जाएगा। और हम चाहते हैं जैसे गलत व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। तो आप प्रशासन को लिख के कह लिए किस तरह का घटना हो रहा है? इस तरह का घटना हमको जैसे अभी हम उस टाइम वीडियो साहब थे, वीडियो साहब ललित कुमार सिंह अभी वाले जो ट्रांसफर हो गया है, ये वर्तमान मैडम है यहाँ आए हैं, इस चीज को हमें अभी अवगत नहीं करवाए हैं। और हम चाहते हैं अगर मान लीजिए ऐसा फर्जी का सरकार ऐसे कोरोना महामारी में पैसा नहीं है और इतना आपका विकलांग बना करके 1000-1000 रुपया पेंशन उसको लागू करके सरकार कहाँ से भरपाई करेगा? जो गलत कर रहा है तो इसमें हम बोल रहे हैं जिसमें कड़ी से कड़ी उन लोगों को कार्रवाई होना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई बिचौलिया। मैंने कुल मिला के एक तरह से फर्जी वाला है? हाँ, एकदम फर्जी वाला। आप कितना आवेदन पे सिग्नेचर करने से इनकार कर दिए? हम लगभग 35-40 आवेदन पर अभी हम सिग्नेचर करने के इनकार कर दिए। दिव्यांगता फर्जीवाड़े में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि मामला बहुत बड़ा है, इसकी जांच होनी चाहिए। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार विभाग को जांच करने की जरूरत है।
नहीं, हम कुछ विकलांगों को लेकर सिविल सर्जन के पास भी हम लोग गए थे, लेकिन हम लोगों को बोला गया जो चूँकि बचपन से मेंटली डिसेबल्ड है, सबको काम कैसे करवाना होगा। तो इस तरीके से काफ़ी ऐसे विकलांग हैं जो लोग भटक रहे हैं। और उसी जगह पर हम लोग देख रहे हैं जो दो पंचायत खास करके आँख द्वारा सुसुमिया में कम से कम नहीं होने से भी 50% लोगों को विकलांगता की सर्टिफिकेट दे दिया गया। समाज 5000 रुपये के विकलांग सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब बना रहे और रेबड़ी के तरह बांटा जा रहा है, और जो बनाया जा रहा है वो वहाँ के 20 सूत्री के मेंबर भी थे। तो हम समझते हैं जो जांच होनी चाहिए, सही विकलांग को विकलांग सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जितना फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट इशू हुई, पहले तो उन लोगों को विथड्रॉ होना चाहिए, सेकंड है जो उन डॉक्टर और सिविल सर्जन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना देखे इस चीज़ को साइन कर। हमें जितना दूर खबर है, ये दो पंचायत में कम से कम 50% लोगों को विकलांग सर्टिफिकेट विकलांगता घोषित कर दी गई है। अगर सचमुच इतने विकलांग हैं तब तो हम समझते हैं जो भारत सरकार को इसमें जांच आयोग बैठानी चाहिए जो इतने विकलांग किस तरीके से हो। केलियासोल प्रखंड के 20 सूत्री के मेंबर थे जानकी दे, इसी के द्वारा हमें खबर है जो 5000 रुपये के प्रत्येक व्यक्ति से लेकर इस तरीके के फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बना, वो खुद अपने परिवार का भी पूरे सारे सदस्यों के विकलांग सर्टिफिकेट वो बना लिए और सबके एक ही चीज़ दिखाया जा रहा है जो शायद हियरिंग लॉस या आई साइट लॉस, ये दिखाते हुए सबको 40% विकलांग सर्टिफिकेट। आप क्षेत्र में अगर घूमिएगा, चूँकि आप लोग सारे प्रेस से हैं, क्षेत्र में अगर घूमिएगा तो ये दिखाई देगा जो बहुत लोग बहुत ही एक्सट्रीम गरीब है, बहुत ही विकलांग है, 100% विकलांग है, फिर भी उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों का कहना है जो इस डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई रांची में है, कोई और है। तो अगर सरकार देखकर अगर डॉक्टर साहब ये समझे जो भाई ये विकलांग है तो इनको विकलांग सर्टिफिकेट देना चाहिए, और जो देख के जिस व्यक्ति को लग रहा है जो विकलांग नहीं है तो उस व्यक्ति को अगर विकलांग सर्टिफिकेट दिया तो उसकी जांच करके इमीडिएटली। दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े मामले में सीएस ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, संज्ञान में मामला आया है। अभी योगदान किए हुए 2-3 ही दिन हुए, मैंने 5 तारीख को अपना सिविल सर्जन के रूप में प्रभार ग्रहण किया हूं, लेकिन मुझे व्हाट्सएप माध्यम से अखबार का एक कटिंग देखने को मिला, तो उस कटिंग को देखते हुए मैंने उसको संज्ञान में लिया है और अपने कर्मचारी को आदेशित किया गया है कि इसको अपने स्तर से देखो और एक टीम बना के इसकी जांच कर दी जाए। फर्जी तरीके से भी विकलांगता सर्टिफिकेट तो उचित नहीं है, और किस टीम ने बनाया, कैसे बनाया, किस कारण से फर्जी लोगों को विकलांगता सर्टिफिकेट इश्यू की गई और कौन इसके लिए दोषी हैं, ये तमाम चीज़ों को की जांच करने के बाद ही हम पूरी बात आपको बताने की स्थिति में होंगे। हाँ, जांच का संज्ञान लेके देने के लिए आदेश कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई किसी व्यक्ति का आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है कि इस तरह से गलत हुआ, केवल मैंने पेपर का कटिंग देखा है और उसी पर संज्ञान ले लिया। पेंशन मिल रहा? पेंशन मिलता है। कितना पेंशन है इसका? लेकिन ये वाला नहीं है।